सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है प्राइम शतक का। चिदंबरम का भाजपा पर निशाना, का थोक खरीदार एक दिन भारत के सभी करीब सभी विधायकों को खरीद लेंगे। सीताराम येचुरी का बड़ा बयान, का पीएम चेहरे का सवाल बेकार है, विपक्षी एकता जरूरी, भाजपा को हराना है। आदित्य ठाकरे का बड़ा आरोप, महाराष्ट्र के हाथ से फॉक्सकॉन ही नहीं दवा पार्क योजना परियोजना भी गई। टीएमसी नेता उदय गुहा बोले, चूड़िया नहीं पहन रखी, एक कार्यकर्ता पर हमला हुआ तो बीजेपी के दो को पीटा जाएगा। असम के निर्दलीय विधायक अखिल गोगोई असम विधानसभा से निलंबित, मार्शल बुलाकर सदन से बाहर निकाला गया। भाजपा का ममता पर हमला, रविशंकर बोले, बंगाल में कानून राज खत्म, भ्रष्टाचार चरम पर, जनता देगी जवाब। नवन्ना रैली को लेकर ममता का निशाना, पुलिस चाहती है तो भाजपा कार्यकर्ताओं पर गोली चला सकती थी। कश्मीर से कन्याकुमारी तक हो हमारे 400 सांसद, कांग्रेस एमएलए को भाजपा में शामिल कराने के बाद बोले सीएम सावंत। कुर्सी जाने की आशंका के बीच हेमंत सोरेन का मास्टर स्ट्रोक, ओबीसी रिजर्वेशन बढ़ाए, स्थानीय नीति में भी बदलाव। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत बोले, आज भी इंग्लिश नहीं बोल पाता, कहा नेता अंग्रेजी में बात करते हैं तो टोकता हूं। महाराष्ट्र के हाथ से फिसलता करोड़ का प्लांट, एनसीपी नेता अजीत पवार ने सरकार को घेरा, कहा सौदा महंगा पड़ेगा। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में मुठभेड़, सुरक्षा बलों ने दो आतंकियों को मार गिराया, बंगाल के मजदूर के हत्या में दोनों शामिल थे। पंजाब में विधायकों की खरीद फरोख्त पर एफआईआर, आपने बीजेपी पर लगाया आरोप, केजरीवाल ने दिल्ली तलब किए एमएलए। पार्थ अर्पिता की जमानत पर सुनवाई, कोर्ट में ही रोने लगी अर्पिता मुखर्जी, पार्थ बोले चैन से जीने दो, मैंने एक रुपया नहीं खाया। बंगाल हिंसक प्रदर्शन से जुड़ा वीडियो वायरल, कांग्रेस नेता ने ट्वीट कर कहा राष्ट्रवादी दंगाइयों ने लगाई पुलिस की गाड़ी में आग। गोंडा में पुलिस कस्टडी में युवक की मौत, लापरवाही में इंस्पेक्टर और एसओजी प्रभारी सस्पेंड। लखीमपुर में नाबालिग बच्चियों की हत्या, एसपी बोले 6 आरोपी गिरफ्तार, जुनैद को एनकाउंटर में लगी गोली। आगरा में बेल्जियम के पर्यटक से लूट का मामला निकला, फर्जी लूट की सूचना देने वाला निकला गोवा का युवक। उन्नाव में 5 महीने से नहीं आए गौशालाओं में चारे का पैसा, प्रधान बोले जैसे तैसे हो रहा है इंतजाम, दुकानदारों ने भूसा देना किया बंद।
सहारनपुर में तेज रफ्तार कार खाई में गिरी, चालक की मौत, करनाल की एक फैक्ट्री में काम करता था मृतक युवक। शामली में कैराना और कांदला में एटीएस की छापेमारी, दो युवकों से घंटों पूछताछ, दुकानदार को साथ लेकर लखनऊ रवाना। भदोही में युवक के ऊपर से गुजर गई ट्रेन, ट्रेन में चढ़ते समय फिसलकर बीच ट्रैक पर गिरा, बाल बाल बचा उसकी जान। बजरंग दल का प्रदर्शन, चामुंडा मंदिर के जीर्णोद्धार की मांग, पुलिस पर लगाए आरोप। ऊना दौरे पर पहुंचे प्रदेश सरकार के तीन मंत्री, एसपी को पुलिसिंग और यातायात व्यवस्था दुरुस्त करने का दिया अल्टीमेटम। विंध्याचल में पहाड़ काटकर किया जा रहा है अतिक्रमण, कमिश्नर योगेश्वर रामिस के आदेश के बावजूद दबंगों का हौसला बुलंद। न देने पर प्रॉपर्टी डीलर को पीटा, ऑफिस में दबंगों ने की तोड़फोड़, सीसीटीवी में कैद हुई घटना। ग्रेटर नोएडा में हार्ट अटैक से दरोगा की मौत, गश्त के दौरान अचानक सांस लेने में हुई दिक्कत। बाढ़ पीड़ितों की मुश्किलें नहीं हो रही है कम, रास्तों में कीचड़ और भारी जमाव, संक्रामक बीमारियों का बड़ा खतरा। जौनपुर में 1892 प्राथमिक पाठशाला पर पोलियो बूथ बनेंगे, 6.3 लाख बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाने का लक्ष्य। लखनऊ में अवैध निर्माण पर शासन ने एलडी अफसरों का किया तलब, बसपा सांसद ने बिना एनओसी तैयार किया 5 मंजिला इमारत। बलरामपुर में भारत नेपाल सीमा की सुरक्षा को लेकर प्रशासन सतर्क, एसएसबी और वन विभाग की टीम करेगी पेट्रोलिंग। बच्चों को मारने वाली शिक्षिका की हुई शिकायत, प्रयागराज के उच्च प्राथमिक विद्यालय दाउदपुर का है मामला। शराब की लत पूरी करने के लिए बन गए चोर, शाहजहांपुर में दुकान के ताले तोड़े जींस और शर्ट चोरी करने वाला आरोपी गिरफ्तार। पीलीभीत सड़क हादसे में एक की मौत, नेशनल हाईवे 730 पर अनियंत्रित होकर पलटी मिनी बस, 7 लोग घायल। भदोही में कपड़े की दुकान में लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड 2 घंटे मशक्कत कर आग पर पाया काबू। कौशाम्बी में संदीपन घाट नाम से बनेगा नया थाना, 48 गांव समेत हाईवे की सुरक्षा का होगा जिम्मा, काजीपुर में हुई भूमि चिन्हित। बिजनौर में 46 दरोगाओं के कार्यक्षेत्र में फेरबदल, दरोगा धनवान सिंह को चौकी प्रभार बनाया गया। चित्रकूट न्यायालय ने ओम बाबा को किया तलब, जमीन के मामले में 4 नवंबर को न्यायालय में हाजिर होंगे ओम बाबा। ललितपुर में टापू पर फंसे 5 को सुरक्षित निकाला, एनडीआरएफ की टीम ने 2 घंटे चलाए रेस्क्यू।
लखीमपुर में नाबालिग बच्चियों की हत्या, मां बोली रेप के बाद मार डाला, एसपी बोली 6 आरोपी गिरफ्तार, लड़कियां अपनी मर्जी से गई थी। यूपी के 42 जिलों में बारिश का अलर्ट, लखनऊ कानपुर में रात से बरस रहा है पानी, कानपुर में सबसे ज्यादा 80 mm बारिश। लखनऊ दिल्ली हाईवे पर भीषण हादसे में 4 की मौत, 30 घायल, सड़क किनारे खड़ी ट्रैक्टर ताली में ट्रक ने मारी टक्कर। बिजनौर में विवाहिता का फांसी से लटका मिला शव, मायके पक्ष ने दहेज हत्या का लगाया आरोप। मेरठ में व्यापारी की चलती कार में लगी आग, दिल्ली से वापस घर जाते समय दिल्ली हरिद्वार हाईवे पर हादसा, कार से कूदकर बचाई जान। उत्तराखंड में 4 जिलों में अगले 24 घंटे भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट, हरिद्वार में बाढ़ चौकियों का अलर्ट। उत्तराखंड में उत्तर प्रदेश रोडवेज की बस ने बाइक सवार को रौंदा, कांग्रेस आईटी सेल के प्रदेश सचिव की मौके पर हुई मौत। उत्तराखंड के काशीपुर में मालगाड़ी का इंजन पटरी से उतरा, अधिकारियों में मचा हड़कंप। उत्तराखंड के स्पीकर रितु खंडूड़ी भूषण ने कहा, विधानसभा में भर्तियों को लेकर जल्द सामने आएंगे पारदर्शी जांच रिपोर्ट। उत्तराखंड में छुट्टी पर हल्द्वानी आए सूबेदार, छत पर मिली बेहोश, अस्पताल पहुंचने से पहले तोड़ा दम। उत्तराखंड के हल्द्वानी उप कारागार जेल दोष खत्म करने वाली होगी देश की पहली जेल, एक रात गुजारने से दुरुस्त होगी गृह दशा। उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल में अगले 3 दिन भारी बारिश की चेतावनी, 3 जिलों में बंद रहेंगे स्कूल। उत्तराखंड में हाथी ने रोका त्रिवेंद्र सिंह रावत का काफिला, जान बचाने को गाड़ी छोड़ पहाड़ पर चढ़े पूर्व सीएम। उत्तराखंड के खेल मंत्री रेखा आर्या ने कहा, खिलाड़ियों के 4% क्षैतिज आरक्षण को लाया जाएगा अध्यादेश। उत्तराखंड के ऋषिकेश में 20 पेटी अंग्रेजी शराब सहित एक गिरफ्तार, हरियाणा से गढ़वाल तस्करी की जा रही थी शराब। उत्तराखंड में जनवरी में मसूरी टनल का शिलान्यास करेंगे केंद्रीय मंत्री गडकरी, 800 करोड़ की लागत बनी है यह सुरंग। उत्तराखंड में मेयर ने हल्द्वानी के लोगों से की बात, बोले 2024 तक हर घर को गैस पाइपलाइन से मिल जाएगा कनेक्शन। उत्तराखंड के आईआईटी रुड़की के पूर्व असिस्टेंट प्रोफेसर को 3 साल की सजा, फर्जी प्रमाण पत्र से हासिल की थी नौकरी। उत्तराखंड के चंपावत में स्कूल के बाथरूम में छत की गिरने से बड़ी हादसा, एक छात्र की मौत, 5 बच्चे घायल। उत्तराखंड में नकली शराब के गोदाम का भंडाफोड़, 150 पेटी जब्त, नामी ब्रांड का लेबल लगाकर हो रही थी पैकिंग। रूस का बड़ा दावा, पुतिन पर हुआ था जानलेवा हमला, रूसी राष्ट्रपति की कार से बम को उड़ाने की कोशिश।
आतंकवाद मामले में इमरान खान की मुश्किलें नहीं हो रही हैं कम, पाकिस्तानी पुलिस की जांच टीम के सामने हुए पेश। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जताई कोविड 19 के समाप्त होने की संभावना, संक्रमण से होने वाली मौतें घटी। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना का विपक्षियों का करारा जवाब, कहा भारत से नहीं लौटी हूं खाली हाथ। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच ईजीएम में 6 महीने बाद लहराई यूक्रेन का झंडा, सैनिकों ने शहर को दुश्मनों से कराया आजाद। क्वीन एलिजाबेथ के अंतिम संस्कार में 500 वीआईपी शामिल होंगे, यूएस प्रेसिडेंट शामिल रहेंगे, जिनपिंग और पुतिन नहीं आएंगे। रूस के साथ जंग के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की कार से टकराई बाइक, हादसे में बाल बाल बची जान। कनाडा में स्वामीनारायण मंदिर में तोड़फोड़, दीवारों पर भारत विरोध के भी नारे लिखे गए। तालिबान सरकार के पाकिस्तान को खरी खरी, कहा पाक में सरकारी संरक्षण में भी संचालित हो सकते हैं आतंकी संगठन। मोदी पुतिन की बैठक से पहले रूस का बड़ा बयान, यूएस के दबाव के बावजूद हमने समय पर दिए S-400 मिसाइल सिस्टम। फिच ने घटाए ग्रोथ अनुमान, 2022-23 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ अनुमान 7.8% से 7% घटाकर किया। देश में सालाना 38% बढ़ी ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री, अमेरिका में 10%, चीन में 8% ग्रोथ। क्रिप्टो में निवेश का नया ट्रेंड, चीन में ही प्रतिबंधित चीनी कंपनी का भारत में फैल रहा है क्रिप्टो रेट। पहले दिन 2.87 गुना सब्सक्राइब हुआ हर्षा इंजीनियर्स का आईपीओ, प्राइस बैंड 314-330 रुपए, 45 शेयर्स का लॉट साइज। रियलमी नार्जो का 50i प्राइम लॉन्च, स्मार्टफोन की शुरुआती कीमत 7,999 रुपए, मिलेंगे 2 वेरिएंट के ऑप्शन। अडानी ग्रुप की एक और बड़ी योजना, फूड बिजनेस बढ़ाने के लिए कंपनी करेगी नए ब्रांड्स पर कब्जा। सोने चांदी की कीमतों में भारी गिरावट, 24 कैरेट वाला गोल्ड 2 महीने बाद 50,000 से नीचे आया। टेलीकॉम कंपनियों ने माना TRI का आदेश, प्रीपेड मोबाइल कस्टमर्स के लिए 30 दिन वैलिडिटी वाले प्लान के लॉन्च। सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले का हब बनेगा गुजरात, सरकार और वेदांत फॉक्सकॉन ग्रुप के बीच हुआ MOU। अक्टूबर के बाद फिर रफ्तार पकड़ेगा निर्यात, मंदी के बावजूद 470 अरब डॉलर का होगा वस्तु निर्यात। गांगुली और जय शाह पद पर बने रहेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने BCCI को संविधान संशोधन की मंजूरी दी। T20 वर्ल्ड कप के लिए बांग्लादेश टीम का ऐलान, शाकिब अल हसन को कमान, महमूदुल्ला बाहर, लिटन दास की वापसी।
भारत दौरे से पहले ऑस्ट्रेलियाई की परेशानी बड़ी, मार्श स्ट्रॉक और स्टोनिश चोट के कारण टीम से बाहर। बारिश से मैच रद्द हुआ तो सचिन लारा बने शेफ, मास्टर ब्लास्टर ने खिचड़ी के फ्लेवर बताए, लारा ने सिखाया मौसमी को कैसे छिले। पाकिस्तान को लगा बड़ा झटका, चोट के कारण T20 विश्व में कप से बाहर हुए फखर जापान। विनेश फोगाट ने वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में जीता ब्रॉन्ज, सर्बिया में भारत को पहला मेडल दिलाया। रॉबिन उथप्पा ने इंटरनेशनल क्रिकेट से लिया संन्यास, 2006 में टीम इंडिया के लिए किया था डेब्यू। T20 वर्ल्ड कप के लिए वेस्ट इंडीज टीम घोषित, पूरन को सौंपी कप्तानी, एमिल लुइस की वापसी, अनकैप्ड कैरियर रेफर को मौका। अफरीदी की सलाह पर भड़के अमित मिश्रा, बोले कुछ लोग सिर्फ एक ही बार संन्यास लेते हैं, विराट को बख्श दीजिए। पाकिस्तान के पूर्व एम्पायर असद रऊफ का निधन, 2013 में उन पर आईपीएल के स्पॉट फिक्सिंग करने का आरोप लगा था। मालदीव में वेकेशन मना रही मौनी राय, हाथ में ग्लास लेकर डांस करती दिखी एक्ट्रेस, फैंस ने बताया क्यों। मनी लॉन्ड्रिंग केस में नोरा से पांचवीं बार पूछताछ होगी, ईओडब्ल्यू पिंकी रानी के साथ बैठाकर सवाल करेगी। सामी सामी गाने पर बच्ची ने किया जोरदार डांस, रश्मिका मंदाना ने वीडियो शेयर कर कहा मुझे इस बच्ची से मिलना है। तब्बू के साथ एक बार फिर नजर आएंगे अजय देवगन, खत्म हुई बोला कि फिल्म की शूटिंग साल के आखिरी में रिलीज होगी ये फिल्म। दोबारा शुरू हुई द क्राउन की शूटिंग, क्वीन एलिजाबेथ के निधन के बाद रोका गया था फिल्म का काम, महारानी पर आधारित है सीरीज। मनी लॉन्ड्रिंग केस में जैकलीन से 8 घंटे की पूछताछ, दिल्ली पुलिस ने एक्ट्रेस से 100 सवाल किए, कई के जवाब नहीं दे पाई। उर्मिला मातोंडकर ने मां बनने वाली खबरों को किया खारिज, बोली ये मेरी नहीं बल्कि मेरे भाई की बेटी है। सिद्धार्थ मल्होत्रा वर्कआउट वीडियो वायरल, मनाली में साइकिल चलाते दिखे एक्टर, वीडियो शेयर कर फैंस को दिया खास मैसेज। पंकज त्रिपाठी ने लिया बड़ा फैसला, अब फिल्मों में नहीं देंगे गालियां, कहा मैं एक्टिंग के दौरान खराब भाषा का नहीं करता सपोर्ट। विक्रम वेधा का BTS वीडियो वायरल, सैफ अली खान ने विक्रम के रोल में एक्शन करते आएंगे नजर, 30 सितंबर को रिलीज होगी फिल्म। फिलहाल के लिए शतक में बस इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी।